में भी सराहा जा रहा है और गांव में भी सराहा जा रहा है। और इस काम की वजह से समाजवादी पार्टी पर लोगों का भरोसा जागा है, लोगों का भरोसा होने लगा है। 3 साल तक जो मन की बात करते रहे, कितने साल हो गए भाइयों बहनों बताइए? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 3 साल जब मन की बात करते रहे, जो 70 से 72 सांसद आप लोगों ने दिए, तो आप लोगों को क्या मिला? उत्तर प्रदेश को क्या मिला? 3 साल मन की बात करते करते कब हमारी बहनों और माताओं का सिलेंडर 400-700 रुपए का हो गया? 400 से आप लोगों को पता चला कितना महंगा हो गया? मैं पूछना चाहती हूँ, जो 3 साल तक मन की बात कर रहे थे, अब उनकी मन की बात में क्या था सबको पता चल गया? उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये बात मैं सही कह रही हूँ कि गलत? विपक्षी दलों का बीपी बढ़ रहा है कि नहीं? खिसियाहट बढ़ रही है कि नहीं? साथ में भाषा भी बदल गई कि नहीं? हमें बहुत मंत्री घूम रहे हैं, आपके यहाँ आए कि नहीं आए कोई मंत्री? कोई मंत्री आए विपक्षी दल का? अभी नहीं आए हैं, अभी आएंगे, आज अभी आएंगे या आ रहे होंगे, तो देखिएगा जब वो मंचों में खड़े होंगे, उनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए कि क्या काम किया है। और मंच में आते ही वह जहर उगलेंगे, क्या उगलेंगे? भेदभाव का जहर, जाति धर्म का जहर। हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य को बिगाड़ने का जहर ये लोग उगलने वाले हैं। ये जितने बड़े मंत्री हैं, ये क्यों आंकड़े गलत दे रहे हैं? मैं अपने मीडिया के दोस्तों से भी कहना चाहूंगी कि ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के क्यों गलत दिखाने का ये भेदभाव कर रहे हैं? अपराध में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 ये लोग क्यों कह रहे हैं, जब हमारा प्रदेश महिलाओं के संग अपराध में 28वें नंबर पे है? पूरे देश में कितने प्रदेश हैं? महिलाओं के संग अपराध में हमारा प्रदेश 28वें नंबर पे है और जो अन्य अपराध हैं उसमें हमारा प्रदेश 22वें नंबर पे है। और जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वहाँ वे लोग नंबर 1 है। हमारे उत्तर प्रदेश को बदनाम ना करें, हमारे उत्तर प्रदेश को। अब बताइए, इलाहाबाद गए, बहुत युवा साथी थे हमारे, नारे लगा रहे थे, हमने कहा भैया धीरे बोलिए, शांत हो जाइए, अनुशासन में रहिए। तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ बदसलूकी की है, ये झूठ उगल रहे हैं अब। तो मैं समझती हूँ बदसलूकी इन लोगों ने हमारे प्रदेश के जन जन आप लोगों के साथ की है, झूठे आंकड़े कह के और झूठे वादे देके। सही बात कह रही हूँ कि नहीं? तो मैं कहना चाहूंगी, जहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध में 16% की गिरावट आई है, वही हमारा प्रदेश 22वें स्थान पे आता है। भैया संभाल के उतर जाओ, उतर जाओ। सरकार तो बन ही रही है, वही मंच टूट रहे हैं, बल्लियां टूट रही है, अब तो पेड़ भी टूट रहा है। तो सरकार समाजवादी पार्टियों की बन रही है। नेता है, उन्होंने क्या कहा था? क से क्या होता है? अरे अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, क से आपके नेता ने नहीं, विपक्षी दल के नेता ने क्या कहा था? क से क्या होता है? हाँ बताइए, हमने आपने जितने युवा साथी हैं, जितनी हमारी बहनें होंगी यहाँ, सबने क से कबूतर सीखा कि नहीं सीखा? और आने वाले समय में जब आपके भैया ने
चार या पांच साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वे रह चुके हैं, आने वाले समय में फिर बनेंगे, तो क से आप लोगों को कंप्यूटर सिखाया कि नहीं सिखाया? स से आने वाले समय में स से स्मार्टफोन भी देंगे। हर गरीब के घर हम स्मार्टफोन पहुंचाने का काम करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को सीधे लाभ पहुंचे, योजनाओं की जानकारी हो। क स और ब बचा अब, तो ब से बताइए। ब से मैं कहूंगी कि हम अपने बच्चों को, हर बच्चों को, हर गरीब परिवार जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, उन बच्चों को एक किलो घी और एक किलो दूध देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर वन है। अब ये दूध और घी घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पे समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हर घर पे दूध और घी पहुंचाने का काम अपने बच्चों के हाथों से करेगी। वहीं ब से बहनों के लिए कहना चाहूंगी कि जहां 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ा है, आने वाले समय में हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को, गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन 1 करोड़ महिलाओं को इस पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे और सीधे आपके खाते में 1,000 रुपए प्रति माह पहुंचाने का भी काम करेंगे। कसाब से मुक्ति पाले। मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा, कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। कि नहीं आ रही? 24 घंटे बिजली आ रही है? 20 घंटे बिजली आ रही है? 24 घंटे बिजली लानी है कि नहीं लानी है? ललई जी ने 20 घंटे तो पहुंचा दी, इनको जब ऊपर फिर से पहुंचाएंगे कहां पे, विधानसभा में, तो 24 घंटे बिजली लाने का काम भी यही करने वाले हैं। अब बताइए, बिजली में भी मतभेद का आरोप लगा दिया गया, बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। विचार देखिए, विचार ये होते हैं विचार। बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया, और आपके भैया ने तो गंगा मैया की कसम खा ली कि उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया है। खाई है कि नहीं खाई? क्या काशी के सांसद ने कसम खाई अभी तक गंगा मैया की? काशी तो शिवजी की नगरी है, और शिवजी के बारे में मैं खुद भक्त हूँ शिव की, और शिवजी ने तो हमेशा कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। कहा है कि नहीं? तो अब आप लोगों को ये आकलन करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और कौन हमारे प्रदेश के साथ बदसलूकी का व्यवहार कर रहा है, ये आप लोगों को अब आकलन करना है। पत्थर वाली सरकार ने क्या किया? पत्थर वाली सरकार, हमारे गठबंधन पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन ना हो गया कांग्रेस से, इंजेक्शन लगने गया कि नहीं लग गया? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मंचों से गठबंधन की बात कर रहे हैं, अपने काम बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए, और भैया के जो भी काम किया है, मन से किया है, दिल से किया है, उस पे आरोप लगा रहे हैं। ये प्रदेश के बेटे पे आरोप लगा रहे हैं, ये आप सब पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते हैं, वे अपनी रक्षाबंधन की भी बात ना भूलें। 3 बार रक्षाबंधन बन चुका है, और 4th बार भी हमारी बुआ जी राखी लेके खड़ी हुई है। भैया, अब आपके हाथों में है कि आप कैसे रोकेंगे ये रक्षाबंधन 4th बार ना बन पाए। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूपी डाउन 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 हो रहा है। बहुत दुख हुआ, इतना सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश ने कहा किया है भाजपा के लोगों को, तो मुझे लगता है इस प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बहुत मुझे दुख हुआ, और सबसे ज्यादा दुख हुआ जब हमारी बिजली जो घरों को चमकाती है उसको हिंदू और मुसलमान बना दिया। बहुत दुख हुआ, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, हम आपसे पूछते हैं। अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या दिया? अखिलेश भैया जिंदाबाद, बहुत बढ़िया।